हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो चलिए आज हम करने जा रहे हैं कुछ आसन। ये आसन करना कैसे है, साथ ही साथ इनके क्या फायदे हैं, वो हम आपको बताने वाले हैं। और आज हम जो आसन करने वाले हैं वो है बटरफ्लाई आसन। तो आज हम ये आसन करने वाले हैं और इन आसनों को कैसे करना है और इसके साथ ही साथ हम बताएंगे इसके फायदे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो बटरफ्लाई के लिए हमें इस सुखासन वाली मुद्रा में बैठ जाना है और हमें अपने दोनों हाथों को कुछ इस तरह से करके अपने पैरों के नीचे रखना है और इन दोनों पैरों को जितना हो सके आप अपने पेल्विस के नजदीक लेकर आइए। अपनी बैक को पूरी तरह से सीधे रखना है और इस तरह से प्रॉपर हमें एक आसन बना लेना है। धीरे धीरे करके अब हम इन दोनों पैरों को ऊपर और नीचे लेकर जाएंगे। जितना हो सके आप उन्हें नीचे लेकर जाएं और प्रैक्टिस करें। रेगुलर आप इसे 30 से 50 बार कम से कम तो रेगुलर करें। तो इस तरह से ये मसल्स को फ्लेक्सिबल करने के बहुत काम आता है। ये हमारी टांगों और जोड़ों के दर्द को भी ठीक करता है, हमारी थकान को भी दूर करता है, साथ ही साथ हमारे जो मेंटल स्ट्रेस होता है या कभी कभी हम बहुत स्ट्रेस फील करते हैं, थकान फील करते हैं मेंटली, ये उससे भी काफी हद तक राहत देता है। तो इस तरह से हम इसे रेगुलर करेंगे। इसे बोलते हैं बटरफ्लाई आसन। बैक को सीधे ही रखना है, जितना हो सके अपने आप को नीचे लेकर जाए। इसे रेगुलर करें और धीरे धीरे करें। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आपका जो फोरहेड है आप उसको जमीन में टच करा सकते हैं और ये पैर आप और अंदर नजदीक ले करा सकते हैं। ये आपके जो विंग्स हैं ये आप नीचे भी टच करा सकते हैं। एक टाइम पर आपकी जो प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इस हद तक भी आप आसन कर सकते हैं। तो ये है अपना बटरफ्लाई आसन। बटरफ्लाई आसन करने के बाद में आप अपने आप को थोड़ा सा इस पोजीशन में अपने आप को रिलैक्स करें।